अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो यूनियन बजट में कई ऐसे अनाउंसमेंट है जो हमारे लिए गुड न्यूज साबित होने वाली है। वेलकम बैक टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। और इन अनाउंसमेंट्स को देख करके एक गुड न्यूज बहुत मेजर है, वो है जीएसटी का रिडक्शन। तो पहले जीएसटी का अमाउंट था अराउंड 12%, जो गिर के अभी 5% हो गया है, तो 7% का कम हो गया है। लेकिन गणित मेरा तो इतना अच्छा है नहीं, तो इसका एक्सप्लेनेशन में जाने वाले हो, आप ही बता दो। ओके, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद एन एग्जांपल। लेकिन बिफोर दैट, आई थिंक जो गवर्नमेंट ने जीएसटी घटाया है, दैट इज डेफिनेटली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन अगर वो जीएसटी कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते, एग्जैक्टली राइट, तो मोर बायर्स वुड बी मोर इंटरेस्टेड टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। और अगर मैं इसे एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूं, तो मान लीजिए जो अपकमिंग वैगन आर ईवी है, उसकी एक्स फैक्ट्री कॉस्ट, या नॉट एक्स शोरूम, अगर एक्स फैक्ट्री कॉस्ट मैं अज्यूम करता हूँ 10 लाख रुपए। अब अगर मैं पुराने जीएसटी रेट के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, तो 10 लाख पर 12%, यानी टोटल एक्स शोरूम कॉस्ट इज 11.2 लाख रुपीज, राइट। और अब जो 7% घटाया गया है जीएसटी, तो अगर मैं 5% के हिसाब से कैलकुलेट करूँ जीएसटी, 10 लाख पर 5% 50,000 rupees, एक शोरूम कॉस्ट बिकम्स 10 लाख प्लस 50,000, 10.5 lakh rupees ओनली। तो ओवरऑल द नेट सेविंग्स इज अराउंड 70,000 rupees ऑन अ 10 लाख रुपी कार, व्हिच इज आई थिंक, like I said, a step in the right direction. ये कोई छोटी रकम तो नहीं है। लेकिन यूनियन बजट के जो बेनिफिट्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो सिर्फ जीएसटी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि उस अनाउंसमेंट में ये भी था कि 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी है। लेकिन ये डिस्काउंट होगा गाड़ी पे, डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं। ओके, क्लैरिफिकेशन, आपको 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। ओके, अब अगर मैं आपको एकदम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूं, अब जैसे आप एक होम लोन के इंटरेस्ट को अपने इनकम टैक्स में एज अ डिडक्शन दिखाते हो, करेक्ट, दैट लोअर्स योर नेट टैक्सेबल इनकम। हाँ, वैसे ही आप जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लोन लोगे, उसके इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट को आप दिखा सकते हो एज अ डिडक्शन। सो योर नेट टैक्सेबल इनकम कम्स डाउन अप टू 1.5 लाख रुपीज यू कैन क्लेम पर ईयर, जिससे आपका नेट टैक्स सेविंग पर ईयर इज अराउंड 45,000। और अगर हम 5 साल के ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो रफली 2.5 लाख रुपीज का सेविंग है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने कैलकुलेशंस थोड़े किए, तो वी फिगर्ड आउट कि अगर आपको फुल 2.5 लाख रुपीज का बेनिफिट चाहिए, तो अमाउंट काफी बड़ा रहने वाला है। बजट गाड़ियों के लिए ये वैलिड होगा कि नहीं, मेरे को पता नहीं। बजट गाड़ियों के लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपको एक 30 लाख रुपए का लोन उठाना पड़ेगा 9.25% के इंटरेस्ट रेट पर, तब जाकर आपको फुल 2.5 लाख रुपीज का बेनिफिट मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। लेकिन एक बात रह गया कि समझ लो 30 लाख रुपए का मुझे लेना है, लाइक लोन लेना हो, तो फिर ये बजट का इस पर तो लागू नहीं है। जो 30 लाख की गाड़ी आने वाली है, अभी ऑप्शंस जो मन में आते हैं वो है, एक तो MG EZS, Hyundai Kona जो CKD होने वाली है, और Audi e-tron जो डायरेक्ट इंपोर्ट होने वाली है, 1 करोड़ से भी ज्यादा प्राइस है उसकी। तो ये सब बेनिफिट्स उनको भी मिलेंगे, या फिर गाड़ी को मेड इन इंडिया ही होना चाहिए? देखिए, लाइक यू सेड कि मेड इन इंडिया क्लास की बात करें, तो टिगोर ईवी हो गई, टियागो ईवी हो गई, एंड व्हाट यू मेंशनड आर CKD एंड CBUs एज वेल। तो फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई क्लैरिटी नहीं दिया है कि इज इट एप्लीकेबल ओनली फॉर मेड इन इंडिया कार्स और ऑल ईवीज इन जनरल। वी आर वेटिंग फॉर सम मोर क्लैरिटी ऑन दैट फ्रंट, और जब वो आएगा तो वो आपको कार देखो पर जरूर दिखेगा। मान लो ये CBU व्हीकल्स पे भी एप्लीकेबल है, और मैं ऑडी ई-ट्रॉन का एग्जाम्पल लूंगा, अज्यूम कि उसका एक्स फैक्ट्री कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। Okay. तो अगर 12% जीएसटी होता, तो उसका एक्स शोरूम कॉस्ट होता 1 करोड़ 12 लाख रुपए, और 7% कम होने के वजह से इसका एक्स शोरूम कॉस्ट हो जाएगा 1 करोड़ 5 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए की सेविंग्स है, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट बाय एनी डेफिनेशन। और मान लो कि आपने इस पर 30 लाख रुपए का लोन लिया है, सो यू ऑल्सो गेट अ फुल 2.5 लाख रुपीज का टैक्स इंसेंटिव ओवर 5 ईयर्स, तो आपकी नेट सेविंग हो जाएगी 9.5 लाख रुपए। एक और अनाउंसमेंट जो हुआ है यूनियन बजट में, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो भारत को एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे होने वाला है? ओके, अब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है, लाइक यू नो द मेन कॉस्ट कंपोनेंट, ठीक है, जिसके वजह से उसका जो कॉस्ट है वो इतना ज्यादा है, बैटरी, राइट। इवन बजट कार्स में एक पेट्रोल पावर्ड कार और एक ईवी कार में लगभग 4 लाख रुपए का फर्क है। टाटा टिगोर 10 लाख रुपए की आती है इलेक्ट्रिक। तो इस प्राइस का मेन रीजन, जैसे कि मैंने कहा, है बैटरीज। अब इन लिथियम आयन बैटरीज का प्राइस हाई इसलिए है क्योंकि ये फिलहाल चाइना जैसे कंट्री से इंपोर्ट किया जा रहा है, तो बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटीज है, टैक्सेस है, जिसके वजह से इन बैटरीज एंड इन इफेक्ट गाड़ियों के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि एज द गवर्नमेंट दे आर गोइंग टू रीच आउट टू सप्लायर्स
ऑफ दीज लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, उनको कहेंगे कि आओ पधारो हमारे देश, फैक्ट्री सेटअप करो, मेक इन इंडिया, ताकि जब मास प्रोडक्शन हो इन लिथियम आयन बैटरीज की कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए और इन इफेक्ट गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी। एक डोमिनो इफेक्ट है कि गवर्नमेंट ने अगर इंसेंटिव दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग सस्ता हो गया, प्रोडक्शन सस्ता हो गया, गाड़ी की कॉस्ट कम हो गई, कस्टमर मोर विलिंग टू पे फॉर द कार, और बाद में एक तभी तो चेंज बन जाता है सब, सभी पार्टीज एकजुट होकर के एक साथ अंडरस्टैंडिंग हो 100%, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने कहा एक बजट गाड़ी में द प्राइस डिफरेंस इज 4 लाख रुपीज, अगर ये प्राइस डिफरेंस 1 लाख या 1.5 लाख रुपीज तक आ जाए तो यू विल बी मोर विलिंग टू बाय एन इलेक्ट्रिक। एब्सोल्युटली। चलो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन के बारे में बात कर लिए, जीएसटी के बारे में बात कर लिए, परचेसिंग के बारे में बात कर लिए, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? अनफॉर्चुनेटली हमें कोई कॉन्क्रीट न्यूज तो मिला नहीं है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप करेंगे प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। वो इंसेंटिव क्या होने वाला है फिलहाल तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये एक डेफिनेट साइन ऑफ इंटेंट है और ये गुड न्यूज जरूर है। वो क्या होने वाला है वो डिटेल्स में बाद में मिल जाएंगे और आप वो कार देखो पे देख पाएंगे। एंड वन फाइनल बिट ऑफ न्यूज फ्रॉम द यूनियन बजट, इट्स नॉट रिलेटेड टू ईवी बट फिर भी आप कार देखो पर है तो हम आपको बता ही देते हैं, अगर आप एक CBU खरीद रहे हैं, अगर आप एक फुल्ली इंपोर्टेड गाड़ी खरीद रहे हैं, तो भैया आपके वॉलेट पर एक और फटका पड़ने वाला है, क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी है उसे बढ़ा दिया गया है 5% से। तो यस, अगर आप एक करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद रहे हैं तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ने। तो ये थी हमारी रैप अप ऑफ द यूनियन बजट ऑफ 2019। आपकी क्या क्या उम्मीदें थी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ICEs, इंपोर्टेड, मेड इन इंडिया, क्या क्या उम्मीदें थी फॉर कार्स, मोटरसाइकिल्स, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर ये वीडियो देख करके आपको थोड़ी जानकारी मिल गई, हम आपको थोड़ी सी एजुकेट कर पाए, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। फॉर नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।